वेल जो हमारा नौजवान तबका है वो मोस्टली अब्रॉड जाके जॉब्स करना चाहता होता है, बट यहाँ पे उनके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कहाँ अप्लाई करना है, कौन से पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू अप्लाई करना है, किस कंट्री को टारगेट करना चाहिए, जिस स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर रहे हैं आइदर उसमें हाई पेइंग जॉब्स हैं या नहीं, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनके हवाले से उनके पास एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं होती। सो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे लग्जमबर्ग के हवाले से, बिकॉज ये वो कंट्री है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सैलरी देखने को मिलती है, लाइक बेसिक सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वही 3,000 यूरो से ऊपर है। तो अगेन अगर हम यूरोप की बात करें तो इट्स अ वेरी गुड सैलरी, पाकिस्तानी ये 12-13 लाख रुपया बनते हैं, आपको एग्जैक्टली यहाँ पे शो हो रहा होगा कन्वर्जन रेट। सो आप भी इस कंट्री का यूज कर सकते हैं अगर आप भी बाहर जाने में इंटरेस्टेड हैं, स्पेसिफिकली यूरोप जाने में इंटरेस्टेड हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस कंट्री में अप्लाई करें लग्जमबर्ग। स्टडी के लिए इसको ना टारगेट करें, इसको विजिट वीजा के थ्रू यूज किया जा सकता है, स्पेसिफिकली वर्क परमिट के लिए यूज किया जा सकता है। सो आज की वीडियो हमारी ये लग्जमबर्ग के हवाले से होने लगी है। अगर आप न्यू हैं, ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वेलकम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो हमारी बहुत ही स्पेशल है एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लग्जमबर्ग के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ, लग्जमबर्ग यूरोप का हिस्सा है एंड ये वो कंट्री है जो कि मशहूर है अपनी सैलरीज की वजह से, एंड यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरीज होती हैं वो 2500 यूरो 3000 यूरो से स्टार्ट होती हैं, एंड ये भी मैं बहुत छोटे लेवल की जॉब्स के हवाले से बता रहा हूँ। एंड मेनली ये लग्जमबर्ग जो है वो अपनी इंडस्ट्री सेक्टर पे रिलाई करता है, तो यहाँ पे जॉब्स बेतहाशा हैं, लाइक इवन 2024 में इन यहाँ पे जो नॉन यूरोपियंस के लिए ओपनिंग हुई थी वो 58,000 जॉब्स की थी, एंड अभी जून में जो अपडेट आई थी उसके अकॉर्डिंगली स्टिल 40,000 स्लॉट्स वेकेंट है। तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, मैं इन पोर्टल्स के लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उनको विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे अकॉर्डिंगली फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं, जिस भी कैटेगरी को आप टारगेट कर रहे हैं आई एम श्योर आपको अच्छी ही सैलरी मिलेगी। बिसाइड दिस लग्जमबर्ग का एक और फायदा ये है कि यहाँ पे 4-5 साल जॉब करने के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एंड आप पीआर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीआर के बाद ऑब्वियसली आपको फायदे पता है कि चूंकि ये शेंजन स्टेट है, एक शेंजन कंट्री है, तो आपके पास पूरे जितने भी शेंजन ममालिक हैं उनकी एक्सेस आ जाती है, एंड यहाँ पे जो सैलरीज हैं वो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप बहुत ज्यादा। सेकेंडली एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, यहाँ पे हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं घूमने फिरने, बहुत ही प्यारा मुल्क है एंड यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, वो चाहे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो चाहे हेल्थ हो, वो चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, यहाँ पे हर चीज आपको बेहतरीन किस्म की ही। लास्ट में अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको थोड़े से ही चाहिए, आपको किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज बैंक स्टेटमेंट चूंकि आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस केस में बैंक स्टेटमेंट इंप्लीमेंट नहीं होती। यहाँ पे आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट कि आप 10 साल वाला पासपोर्ट बनवाएं, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास आपकी जितनी डिग्रीज हैं वो स्पेसिफिक जगहों से अटेस्टेड होनी चाहिए, लाइक HEC, MoFA, बोर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारी जगहों से अटेस्टेड होनी चाहिए। आपके पास यूरो पास आपका बना होना चाहिए। यूरो पास के हवाले से अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये कोई अलग किस्म की चीज़ है, नहीं, ये एक नॉर्मल CV होती है जो कि यूरोप के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली होती है। आपको यहाँ पे एक लिंक शो हो रहा होगा एंड मैं इस लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ, साइट को आप विजिट करें, यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाएं एंड दैट्स ऑल, डाटा अपना एंटर करते जाएं, एट द एंड ये आपको एक आउटकम दे देगा, एक प्रॉपर CV डिज़ाइन करके दे देगा, एंड ये वो टेम्पलेट्स हैं जो कि यूरोप में फॉलो किए जाते हैं, यूरोप के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस वेबसाइट का यूज़ करें फॉर डिज़ाइनिंग योर CV एंड कवर लेटर्स। उसके बाद यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जो कि आपको
टिकट भी दे देंगे आपको, लिविंग भी दे देंगे, वहाँ पे रहने की जगह भी दे देंगे आपको, खाना पीना भी आपका वो लोग देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयर्स हैं जो कि हो सकता है आपको स्पॉन्सर ना करें, लाइक आपके टिकट के पैसे आपको ना दें, आपके खाने पीने के पैसे आपको खुद बियर करने पड़ रहे हों, आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस खुद बियर करने पड़ रहे हों। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। बट स्टिल यहाँ की सैलरीज जो हैं वो इतनी हाई हैं कि आप इन अपने जो ये एक्सपेंसेस हैं लाइक टिकट, लिविंग, जो फूड की कॉस्ट होगी, ट्रैवलिंग वगैरह होगी, ट्रैवलिंग पे तो अमूमन आपका खर्चा नहीं आता लग्जमबर्ग में, बिकॉज जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो टोटली फ्री है। यहाँ पे आप जिस मर्जी को उठा के देखेंगे उसके पास कार होगी। सो गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग गाड़ियाँ कम से कम यूज़ करें ताकि उन्हें कम से कम रोड्स वगैरह बनाने पड़े, एंड जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो इस वजह से उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो थ्रू आउट फ्री कर दी है। लाइक बाकी कंट्रीज अगर आप उठा के इटली उठा के देखते हैं, जर्मनी उठा के देखते हैं, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, हर जगह पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैसे देने पड़ते हैं। बट लग्जमबर्ग में केस इज डिफरेंट। तो अगर आप इन केस कहीं दूर भी रहते हैं अपने वर्क प्लेस से, स्टिल जो आपकी ट्रैवलिंग है वो अगेन ऑन गवर्नमेंट होगी एंड दैट विल बी टोटली फ्री। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी लग्जमबर्ग के हवाले से। एंड वन थिंग मोर, यहाँ पे अक्सर दोस्तों को कन्फ्यूजन होगी हो गई होगी कि क्या लग्जमबर्ग सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास PhDs हैं, मास्टर की डिग्रीज हैं। नहीं, यहाँ पे आपको जो छोटी जॉब्स हैं वो भी बहुत सारी देखने को मिलती है, लाइक प्लम्बिंग की जॉब्स हो गई, उसके अलावा इलेक्ट्रिक वर्क रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वो आपको देखने को मिलेगी, कंस्ट्रक्शन की जॉब्स आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये कंट्री अपनी इंडस्ट्रीज पे रिलाई करता है, सो इंडस्ट्रीज में अगर हाई पोजीशंस होती हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे लो पोजीशंस भी होती हैं। एंड अगर आप ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, आपके पास ज़्यादा डिग्रीज नहीं है, स्टिल डोंट वरी, आप उन लो जो पोजीशंस हैं उनको टारगेट कर सकते हैं एंड एज अ रिजल्ट एक अच्छी जॉब स्कोर कर सकते हैं। सो ये क्विक सी वीडियो थी आज हमारी अबाउट लग्जमबर्ग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू गाइस इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।